आपने हमें बिल्कुल सही शिक्षा दी है गुरु जी, कि हम जैसा बीज बोते हैं उसी का फल पाते हैं। बड़े भैया अपना पौधा देखिए। हम जैसे बीज बोते हैं उसी का फल पाते हैं। तो क्या मैं इस कार्य में असफल माना जाऊंगा? जब तुम्हारा पौधा मर गया तो निश्चित तौर पर तुम्हें असफल ही तो माना जाएगा। तुम्हारे अलावा इस कार्य में सभी सफल हुए, सभी। यीशु भी। कोई बात नहीं बड़े भैया, आप एक और पौधा लगाइए और प्रेम पूर्वक उसकी सेवा भी कीजिए। सुंदर फूल जरूर खिलेंगे उसमें। मारिया, रुको। अरे सुनो तो, निराश क्यों हो रही हो? और इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? आपने हमें बिल्कुल सही शिक्षा दी है गुरुजी, कि हम जैसा बीज बोते हैं उसी का फल पाते हैं। तुम्हारे अलावा इस कार्य में सभी सफल हुए, सभी। यीशु भी। मारिया, एक छोटी सी गलती हो गई होगी हमारे बच्चे से, इसीलिए उसका फूल मुरझा गया बस। और यीशु ने भी उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा बेटा किसी की सुनता है? बस करिए आप। जब भी यीशु और हमारे बेटे की बात आती है, आप हर बार यीशु की ही तरफदारी करते हैं। याद रखिएगा मेरी एक बात, एक दिन इसी यीशु के कारण हमें जीवन का सबसे बड़ा दुख झेलना पड़ेगा। जब तुम्हारा पौधा मर गया तो निश्चित तौर पर तुम्हें असफल ही तो माना जाएगा। तुम्हारे अलावा इस कार्य में सभी सफल हुए, सभी। यीशु भी। जब देखूं तब इस यीशु की वजह से मुझे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बहुत हो गया, अब मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा यीशु को। ये हुई ना बात, सबक तो उसे सिखाना ही पड़ेगा, वो भी बहुत जल्द। मेरी प्रार्थना सुनकर इस सुंदर फूल को खिलाने के लिए आभार परमपिता। मेरी एक बात मानोगे? एक क्यों, मैं आपकी हर बात मानूंगा माँ। बेटा, तुमने जहरीली दिखने वाली पत्ती खाकर आज बहुत बड़ा जोखिम उठाया था। वादा करो
फिर से ऐसा कभी नहीं करोगे? ठीक है माँ, आप कहती है तो मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मैंने इस विश्वास के साथ वो पत्ती खाई थी। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, तो शैतान की शक्ति के होते हुए भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता माँ। हे ईश्वर, ये दूसरी बार है जब आपके पुत्र पर शैतान से संबंधित होने का आरोप लगा है। मैं किसी को नहीं बता सकती कि यीशु आपकी संतान है, इसलिए हर मोड़ पर यीशु को पूरे साय से दूर रखने में मेरी मदद कीजिएगा। शैतान का साया तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण लगाने वाला है यीशु। लेकिन मैं तुम्हारी खुशियों को ऐसे मसलने वाला हूं, ऐसे मसलने वाला हूं यीशु। चिंता मत कीजिए माँ, परमपिता परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। यीशु ने शैतान की शक्तियों को चुनौती दिया है, मुझे कुछ करना होगा, वरना लोगों के जहन से शैतान का खौफ खत्म हो जाएगा। लेकिन करूं क्या, क्योंकि ईश्वर मुझे सीधे तो अपनी संतान से मिलने देगा नहीं। यीशु ना सही तो उसके परिवार के किसी सदस्य तक तो मैं पहुंच सकता हूं ना। कि ईश्वर की संतान का घर भी ईश्वर का ही घर है, तो ईश्वर के इस घर पर और इस घर में रहने वाले लोगों पर अपनी शैतानी सोच का साया डालने का विचार छोड़ दो। तुम भी क्या याद रखोगे, बख्शा मैंने यीशु के परिवार को। अरे झूठ और शैतान का तो चोली दामन का साथ है। तभी तो जब भी कोई बच्चा झूठ बोलता है या कोई भी ऐसी वैसी हरकत करता तो सब कहते हैं कि बड़ा शैतान है, शैतानी कर रहा है। मुझ पर भरोसा करना तुम्हारी गलती थी देवदूत, मेरी नहीं। यीशु, खून के आंसू रुलाऊंगा तुम्हें। बेटा तुम ठीक तो हो ना? बहुत दर्द हो रहा है? नहीं माँ, बस छोटी सी खरोच आई है। आओ आओ बैठो यहाँ। जाएगी माँ, अगर प्रेम से फूंक मारूं तो क्या पता ये चोट ठीक भी हो जाए। बेटा, प्रेम में बहुत ताकत होती है, या तो यूं कहो कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ही प्रेम है।
शैतान की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। देखो शैतान के इस हाथ को। ये वही हाथ है जो पूरे ब्रह्मांड की हर एक बुरी चीज को अपने नियंत्रण में रखता है। और अब ये हाथ बनाएगा हथियार तुम्हारे लिए यीशु। अपनी शैतानी हाथों की शक्ति से गाड़ा है मैंने सांप को, जब टसेगा तो किसी और को, पर इसका जहरीला असर होगा यीशु के भाग्य पर। और एक दिन छू मंतर हो गया माँ। अब मैं समझ गया कि प्यार से फूंक मारो तो बड़ी से बड़ी चोट भी ठीक हो सकती है। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनू, तुम्हें ये कैसे समझ आया? माँ आपने सिखाया था ना कि सासों से ही जीवन चलता है, और माँ की सासे तो सबसे ज्यादा पवित्र होती है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? संसार को जन्म देने वाली तो परमपिता परमेश्वरी है, और हमें जन्म देने वाली तो माँ ही है। फिर माँ की सासों में तो परमपिता परमेश्वर का वास हुआ। लेकिन जो संतान अपनी माँ से इतना प्यार करे उसकी सांसों में भी तो ईश्वर बसते हैं ना? बेटा मुझे तो कोई चोट नहीं लगी, फिर क्यों? आप हर रोज कितना सारा काम करती है, खाना बनाती है, सबका कितना ख्याल रखती है। कितनी बार आपको चोट लगी होगी, कितनी बार आपका हाथ जला होगा, फिर भी आपने किसी को कुछ नहीं बताया। पर मैं सब जानता हूँ माँ, इसलिए मैं आपकी उन सारी चोटों को ठीक करने के लिए फूंक मार रहा हूँ जो आप सबसे छुपा कर रखती है। बिना कहे सबके दुख दर्द महसूस कर लेते हो, बिना सोचे सबकी पीड़ा दूर करने को तैयार हो जाते हो। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो तुम्हारे हिस्से के सारे दुख दर्द मुझे दे दे। मगर मैं इस सच से भी अनजान नहीं हूँ कि एक दिन तुम अपनी माँ से दूर, बहुत दूर चले जाओगे। बस यही सोच सोच कर डर जाती हूँ कि तब मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कर पाऊँगी। बेटा
इस सांप के अंदर मैंने इतनी ज्यादा बुरी ऊर्जा डाल दी है कि अकेले ही हजारों सांपों के विष के बराबर है। देखना इसके विष का असर, इसका एक डंक तुम्हारे पूरे परिवार को तहस नहस करके रख देगा। तुम्हारी रचना मैंने इसलिए की है ताकि किसी को यह गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि ईश्वर की संतान मसीहा बनके उनके सारे दुखों और तकलीफों को दूर कर देगा। ना, शैतान कभी ऐसा होने नहीं देगा। तुम्हारे जरिए मैं साबित करना चाहता हूं कि शैतान से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है, इसलिए तुम वो करोगे जो मैं तुमसे करने को कहूंगा, समझे? बहुत खूब। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, यीशु। याद रखना, अब अपनी राजधानी के बाहर किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम नए सम्राट के लिए काम करते हैं, समझ गए? जानता हूं कि यहां की हर खबर ये सम्राट तक पहुंचाएगा। जो बच्चे वहां बंदी हैं, उनकी जान बचाने के लिए मुझे इसको ये विश्वास दिलाना होगा कि सही मायने में मैं भविष्यवाणी वाले बच्चे की जांच पड़ताल में लगा हुआ हूं। लेकिन हमें जाना कहाँ है? जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो तुम्हें पता भी लग जाएगा। चलो। मैंने देखा था कि बड़े भैया इस पौधे को मुरझाया हुआ देखकर बहुत दुखी थे। लेकिन ये तो मर चुका है, दोबारा लगाने से क्या होगा? माने को सिखाया है मुझे, क्या पता उस सीख की मदद से ये मरा हुआ पौधा फिर से जीवित हो जाए। ऐसा क्या सिखाया मेरी चाची ने? यही कि अगर प्यार से फूंक मारो तो चोट भी ठीक हो सकती है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत चोट लगी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। तुम देखना, जब ये पौधा ठीक हो जाएगा तो बड़े भैया बहुत खुश होंगे। बड़े भैया, बड़े भैया, मेरा पीछा करना बंद कर छोटे, जा यहाँ से, अकेले छोड़ दे मुझे। यीशु को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, फिर हम क्या करें? रास्ता दिखाने के लिए मैं जो बैठा हूं, यीशु को जाकर कहो कि वो तुमसे जंगल में आके मिले। कहो। छोटे, ये बड़े भैया, उस यीशु को जाकर कहना कि वो मुझे जंगल में मिले। ये बड़े भैया, जाओ। वो तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं और तुम उसकी खुशी के लिए यहाँ बैठकर पौधा लगा रहे हो। आदमी को अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा बर्ताव करना चाहिए। नहीं याकूब, जो हमारे साथ बुरा बर्ताव करे उसके साथ हमें और भी प्यार से पेश आना चाहिए, क्योंकि माँ कहती है कि इंसान बुरा नहीं होता, वक्त और परिस्थितियाँ बुरी होती है। लेकिन यीशु, यीशु भैया, यीशु भैया,
यशु भैया, बड़े भैया, बड़े भैया ने आपको जंगल में बुलाया है। बड़े भैया कह रहे थे कि आपके साथ अच्छे अच्छे पौधों के बीज लाएंगे वहां से। बच्चे, यीशु अब पहुंचने ही वाला है, तैयार हो जाओ। जैसे पिटाई करूंगा फिर कभी मुझे नीचा दिखाने के बारे में सोचेगा नहीं। अब आएगा मजा।